जब एक नाथ ने कांवड़ से गधे को पानी पिलाया। संत एक नाथ महाराष्ट्र के विख्यात संत थे। स्वभाव से अत्यंत सरल और परोपकारी संत एक नाथ के मन में एक दिन विचार आया कि प्रयाग पहुंचकर त्रिवेणी में स्नान करें और फिर त्रिवेणी से पवित्र जल भरकर रामेश्वरम में चढ़ाएं। उन्होंने अन्य संतों के समक्ष अपनी यह इच्छा व्यक्त की। सभी ने हर्ष जताते हुए सामूहिक यात्रा का निर्णय लिया। एकनाथ सभी संतों के साथ प्रयाग पहुंचे। वहां त्रिवेणी ने सभी ने स्नान किया। तत्पश्चात अपनी कांवड़ में त्रिवेणी का पवित्र जल भर लिया। पूजा पाठ से निवृत्त होकर सबने भोजन किया, फिर रामेश्वरम की यात्रा पर निकल गए। जब संतों का यह समूह यात्रा के मध्य में ही था, तब मार्ग से सभी को एक प्यासा गधा दिखाई दिया। वह प्यास से तड़प रहा था और चल भी नहीं पा रहा था। सभी के मन में दया उपजी, किंतु कांवड़ का जल तो रामेश्वरम के लिए निमित्त था, इसलिए सभी संतों ने मन कड़ा कर लिया। किंतु एक नाथ ने तत्काल अपनी कांवड़ से जल निकालकर गधे को पिला दिया। प्यास बुझने के बाद गधे को मानो नव जीवन प्राप्त हो गया और वह उठकर सामने घास चरने लगा। संतों ने एक नाथ से कहा, आप तो रामेश्वरम जाकर तीर्थ जल चढ़ाने से वंचित हो गए। एक नाथ बोले, ईश्वर तो सभी जीवों में व्याप्त है। मैंने अपनी कांवड़ से एक प्यासे जीव को पानी पिलाकर उसकी प्राण रक्षा की है। इसी से मुझे रामेश्वरम जाने का पुण्य मिल गया। वस्तुतः धार्मिक विधि विधानों के पालन से बढ़कर मानवीयता का पालन है, जिसके निर्वाह पर ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है। सभी धर्म ग्रंथों में परोपकार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, अतः वही पुण्यदायी भी है।